नमस्कार दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में जैसे आपने थंबनेल में दिखाई है, आज की इस वीडियो में आपको ये जो टॉर्क रिंच होती है, इसमें टॉर्क रिंच के बारे में बताऊंगा कि जो टॉर्क रिंच है इसमें हम किस तरह से टॉर्क को सेट करते हैं और किस तरह से हम इसके जो नट बोल्ट को हमें टाइट किया जाता है वो सारा कुछ, इसमें जो ग्रेजुएशन होती है, ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ टॉर्क रिंच के बारे में। तो टॉर्क रिंच से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे सभी क्लियर करेंगे आज की हम अपनी इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। चलिए दोस्तों बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि हम जैसे नट और बोल्ट होते हैं, इनको हम अगर हम खोलना और बंद यानी इसको लूज और टाइट करना है तो हम डिफरेंट तरह की रिंचेस का यूज़ करते हैं। तो उसी में ही एक रिंच है आज, जो मैं आज उसके बारे में बताने वाला हूँ, इसको बोलते हैं हम टॉर्क रिंच। इसी टॉर्क रिंच के बारे में ही मैं बात करूँगा आज की इस वीडियो में। टॉर्क का मतलब, टॉर्क हमें जो है, टॉर्क यह बताता है कि नट और बोल्ट को कितनी शक्ति से टाइट करना है, तो वो बताता है हमें इसका टॉर्क। टॉर्क के लिए जैसे सपोज़ टॉर्क मतलब आपको अगर टॉर्क निकालना है तो टॉर्क निकालने का जो फार्मूला होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम अगर करेंगे तो हमारा टॉर्क निकल के आ जाएगा। सपोज दैट हमें इस बोल्ट को टाइट करना है, टॉर्क के बारे में बात करते हैं, अगर हमें इस बोल्ट को टाइट करना है तो टाइट करने के लिए हम स्पिनर का यूज़ करते हैं। स्पिनर के जरिए हम जो टॉर्क निकालेंगे उसको अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम लगाएंगे इस पे जो स्पिनर है उसका क्या डिस्टेंस है, स्पिनर को हमने कितने डिस्टेंस से पकड़ा हुआ है, वो हमारा हो गया इसका डिस्टेंस। उसके बाद इस पर फोर्स लगाने वाला, फोर्स यानी हमने इस पर कितने किलोग्राम या पाउंड फुट पी इंच मतलब जिस भी यूनिट में फोर्स को लगा रहे हैं तो वो हमें इस तरह से जो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो टॉर्क निकल के आएगा इसका। टॉर्क से क्या होता है, अभी इसके बाद हम जैसे टॉर्क निकल के आया उसी टॉर्क पे हमें हर जो नट बोल्ट्स होते हैं, ये नट बोल्ट्स किसी न किसी सभी नट बोल्ट्स का एक फिक्स टॉर्क होता है कि हमें उसी ने ही फोर्स इतना ही टॉर्क लगा के इनको टाइट करना है। अगर हम इससे ज़्यादा फोर्स लगा के इसको टाइट करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो थ्रेड होंगी ये ब्रेक हो जाएंगी, थ्रेड ख़राब हो सकती हैं, नट ये जो बोल्ट है वो टूट भी सकता है। तो सभी मशीन्स में हमें नट बोल्ट्स जितनी भी अच्छी हाई एक्यूरेसी की मशीन्स होती हैं तो उसमें हमें ये टॉर्क सेट करके दिया जाता है कि इस बोल्ट को कितना टाइट करना है। अगर हम इससे ज़्यादा टाइट करेंगे तो इसको खराब नहीं, थ्रेड ख़राब हो सकती है और टूट भी सकता है। अगर हम इसको लूज रखेंगे, उसको इतना टॉर्क नहीं लगाएंगे उस पर, तो वो क्या होगा, वो हमारा थोड़े टाइम चलने के बाद वो खुल जाएगा। तो इसलिए हमें ये टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्क रिंच। इसी के लिए हमने एक टूल यूज़ करते हैं जिससे हमारा उतना ही टॉर्क फोर्स लगे, उसके लिए हम ये रिंच यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम टॉर्क रिंच, जिससे कि हमारा बिल्कुल जितना फोर्स लगना है उतना ही फोर्स हमारे नट और बोल्टों पर लगता है। चलिए तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके आप देखेंगे सबसे पहले ये पूरा का पूरा इसमें टॉर्क रिंच है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ होती हैं। सबसे पहले हमारा जानते हैं, ये देखिए आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर हम इसके सॉकेट को फंसाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पे, ये क्लिक टाइप टॉर्क रिंच होती है। और वैसे भी और भी कई अलग अलग तरह की टॉर्क रिंचें होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं जनरली। आप यहाँ पर जो ये टॉर्क रिंच ये देख रहे हैं, ये हमारा क्लिक टाइप टॉर्क रिंच है। हम बीम टाइप करते हैं, डायल है, और आजकल तो डिजिटल, यहाँ जैसे ये है मैनुअल है वहाँ पर एक डिजिटल डिस्प्ले रहती है, तो डिजिटल भी टॉर्क रिंच यूज की जा रही है। तो अब हम बात करते हैं इस क्लिक टाइप टॉर्क रिंच में, तो इसमें क्या होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम ये यूनिट देखते हैं, यहाँ पर ये यूनिट क्या है इसका, ये इसकी कैपेसिटी बताती है कि कितना टॉर्क ये वियर कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं 25 lb/ft, यानी ये हमें जो दिया हुआ है ये पाउंड में इसका वेट दिया हुआ है और पाउंड फीट या पाउंड फीट तक का ये वेट है। इसके बाद इसमें NM जो दिया हुआ है ये न्यूटन पर मीटर का है। उसके बाद ये दिया है नीचे 3.5, यानी ये किलोग्राम पर मीटर का फोर्स है। उसके बाद पाउंड पर इंच, तो ये आप समझ गए होंगे इसमें जो kgf, ये lbf, ms, nm जो भी है ये क्या चीज़ है, इतने तक का फोर्स। ये जैसे हमारा ये जो है ये फोर्स है, ये 3.5 किलोग्राम तक के फोर्स को, 3.5 किलोग्राम मीटर तक के फोर्स को ये वियर कर सकती है हमारी ये जो टॉर्क रिंच है। इसमें टॉर्क रिंच में आप देखेंगे आगे यहाँ पर, जैसे यहाँ भी बताया था मैंने, यहाँ पर हम जो भी सॉकेट है यूज़ करेंगे, ये हम वहाँ पर इसको सॉकेट को लगा के और फिर टाइट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर भी सेम उसी तरह से कुछ वैल्यूज़ लगी हुई हैं, देखेंगे यहाँ से, ये देखिए आप यहाँ पर भी वैल्यू। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर kgf किलोग्राम पर मीटर का है। उसके बाद यहाँ पर देखें न्यूटन पर मीटर, इसके बाद फीट पाउंड पर फीट का है, इसके बाद यहाँ पर ये पाउंड पर
इंच का है। तो इस तरह से आप जो भी फोर्स आपको दिया गया है इंच में, पौंड में, फीट में, जिस भी यूनिट में दिया गया है उसी यूनिट में आप उसके फोर्स को लगाएंगे। अब इसको हमें सेट करना होता है कि जितना फोर्स लगाकर सेट करना है वो कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा जो यहाँ से इसको हम बाहर निकालेंगे और देखेंगे यहाँ से इसको इस तरह से रोटेट कर, यहाँ से करने के बाद इस तरह से इसको हम क्लॉक वाइज इस तरह से रोटेट करेंगे। आप देखेंगे यहाँ से रोटेट हो रहा है, जितना भी फोर्स लगाना है हमें उतना हम इस पर इसको सेट कर देते हैं। तो इस तरह से रोटेट करके, जैसे कि मैं यहाँ पर रोटेट कर रहा हूँ, इसी तरह से रोटेट करना है और जितना भी फोर्स पे सेट करना है, जिस यूनिट के फोर्स पे, इसको क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज घुमाकर कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा लास्ट जो है हमारा वो 3.5 न्यूटन पर मीटर का है, 35 न्यूटन पर मीटर है। यहाँ पर देखें हम किलोग्राम पर मीटर में देखें 3.5 किलोग्राम पर मीटर तक का फोर्स ये वियर कर सकती है। तो आप यहाँ पर पहुँच जाएगा तो ये यहाँ सबसे हाई हो जाएगा, इसका इतनी ही कैपेसिटी है। अगर हम इसको कम करना है तो हम इसको वापस रोटेट करते हैं और इस तरह से वापस ले जाके जितना भी फोर्स हमें वियर करना है तो कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊँ तो हमने यहाँ पर 1.5 यहाँ से देख सकते हैं आप, ये 1.5 का हमने कर लिया है। तो इसी तरह से आप इसको रोटेट करके जितना भी फोर्स नट और बोल्ट में दिया गया है उसको लगाकर और फिर नट को उतने ही फोर्स के साथ टाइट करना होता है। अब टाइट करेंगे जब हम यहाँ से, जैसे हमने यहाँ पर इसको सॉकेट को लगाया, सॉकेट के लगाने के बाद इतने ही फोर्स पे जब वो नट इसमें हमारा फंसेगा इसके सॉकेट में, सॉकेट लगाने के बाद, तो वहाँ से ये इस तरह से यहाँ पर इसका एक आवाज़ आने लगेगी आपको। जैसे ही वो इतना फोर्स टच करेगा तो इसमें एक चिट चिट की आवाज़ आने लगेगी, इसका मतलब ये है। इसके बाद ये यहाँ से फ्री होने लगती है, निकलने लगेगा यहाँ से, तो इसका मतलब है कि अब हमें इससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है। जितना हमने फोर्स लगाया था उतने फोर्स पर हमने अपने जो नट या बोल्ट है उसको टाइट कर दिया है। तो इस तरह से हम टॉर्क रिंच की हेल्प से किसी भी नट और बोल्ट को दिए हुए टॉर्क के अकॉर्डिंग हम नट को लूज और टाइट कर सकते हैं इजली। बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट होता है टॉर्क रिंच से हमारा जो है, ये ज़्यादातर मशीन्स वगैरह में जहाँ पर हमें फिक्स टॉर्क दिया जाता है वहाँ पर हम ज़्यादातर इनका यूज करते हैं। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। अगर कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो चैनल की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।